स्टोर मार्केट से आईफोन लिया पर मुझे शक हुआ तो मैंने फोन खोलना शुरू किया। तक फोन खोलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सभी के लिए इस वीडियो में गिव अवे है, बस आपको कमेंट में बताना है कि मुझे फेक आईफोन मिला है या रियल आईफोन। फोन तो लेना था कैसे भी करके पर मेरे पास पैसा नहीं था ज्यादा। किसी ने कहा कि चोर बाजार दिल्ली जाओ, संडे को मार्केट लगती है सुबह सुबह। संडे की सुबह पहुंच गया चोर बाजार, वहां पर देखा तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहां पर कोई रिस्ट वॉच बेच रहा था, कोई हेडफोन बेच रहा था और कोई टॉयज बेच रहा था। एक आंटी तो खुले ड्राई फ्रूट्स इतने सस्ते बेच रही थी, लेकिन हमें तो उस चोर को ढूंढना था जिसके पास आईफोन है। फाइनली चोर बाजार में एक घंटे घूमने के बाद मुझे मिल ही गया आईफोन वाला। उसने आईफोन दिखाना शुरू किया, फाइनली ये वाला आईफोन मुझे पसंद आया। रेट पूछा तो चोर बोलता है कि 10,000। मैंने कहा कि इतना दे नहीं पाऊंगा, 2,000 में देना हो तो बताओ। मैंने सोचा कि 5,000 तक भी दे दूंगा। आखिर में 4,000 में उसने मुझे आईफोन दे दिया। मैं ये फोन लेके घर आ गया। अगले दिन जब दोस्त ने फोन देखा तो उसने कहा कि फेक लग रहा है। उसकी बातें मुझे तीर की तरह चुभ गई और शाम को मैंने इस फोन की सर्जरी शुरू कर दिया। चेक करना था कि फोन रियल आईफोन है क्योंकि इसका कैमरा भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैंने आईफोन को पूरा खोल दिया, जब कैमरे वाले पार्ट को खोला तो अंदर सिर्फ एक ही लेंस था। बहुत बड़ा स्कैम मेरे साथ हो गया। चाइनीज फोन पकड़ा दिया साले ने आईफोन बोलकर। आज पता चला कितना बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ चोर बाजार में। मैं छोड़ूंगा नहीं उस बंदे को।